हेलो, नमस्कार। वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। स्वागत है आपका दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट फोर्थ सेमेस्टर की एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखते हैं। वह स्थान जहाँ डिम्ब निषेचित होता है, प्लेस वेयर ओवम इज फर्टिलाइज्ड। आंसर करेक्ट हो जाएगा इनफांडाइबुलम ऑफ ऑबिटेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, क्रेजी चिक जो डिजीज है वो मुर्गियों में किस विटामिन की कमी से देखने को मिलता है, तो ये विटामिन ई की कमी से हो जाता है मुर्गियों में, क्रेजी चिक जो डिजीज है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुक्कुटशाला में बिछावन में नमी होनी चाहिए, तो ये 22-25% यानी जो कुक्कुटशाला है उसमें 20-25% नमी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि अंडा बनने में कुल कितना समय लगता है, तो अंडा बनने में कुल 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन 25 घंटे ऑप्शन में दिया गया, यही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि किस बर्डक के कारण मुर्गी का त्वचा का रंग जो है पीला होता है, वो जैंथोफिल। जैंथोफिल पिगमेंट के कारण जो मुर्गी है उसकी त्वचा का रंग कैसा होता भाई, त्वचा का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गी की दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल कौन सी है, मतलब डबल पर्पज के लिए, अंडा और मांस दोनों के पर्पज से कौन सी नस्ल सुटेबल है, तो प्लाईमाउथ रॉक। अगला प्रश्न है, अंडे की जर्दी में वसा का प्रतिशत क्या है। देख लीजिएगा, जो अंडा है ना, अंडे की जर्दी में वसा प्रतिशत क्या है, तो अंडा मुख्य रूप से तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो अंडे में जो प्रोटीन, अंडे में एल्बुमिन की मात्रा कितनी है, 58%। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडे में एल्बुमिन की मात्रा कितनी होती है, आप बताओगे 58%। अगर आपसे कोई पूछे कि अंडे में योक की मात्रा कितनी होती, किसकी, योक की, योक बोले तो जर्दी की, तो योक की मात्रा होती है 31%। और जो खोल है ये 11% होता है, यानी जो कवच है, जो खोल है, इसकी मात्रा कितनी होती, 11%। ये पॉइंट आपको आने चाहिए। फिलहाल जो फैट परसेंटेज योक में है वो कितनी है, 32.5%। ध्यान रहे, एक योक में ही जो प्रोटीन होती है वो 17.5% होती है, अर्थात अंडे की जर्दी में वसा का प्रतिशत कितना है, तो 32.5% है। अगर पूछा जाए कि अंडे की जर्दी में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है, तो आप बताएंगे 17.5%, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्मान के दौरान इनक्यूबेटर का तापमान रखा जाता तो ये 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना, सेंटीग्रेड दिखा यहाँ पे, तो 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के अंडे की उष्मायन अवधि होती है तो 21 दिन होती है, इनक्यूबेशन पीरियड आप चिकन 21 डेज, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉयलर स्टार्टर में प्रोटीन प्रतिशत क्या होता है, तो यह 22% होता है, क्या है मेरे भाई, हो जाएगा 22%। मूविंग फॉरवर्ड, अंडा देने वाली मुर्गी के राशन में ऊर्जा प्रतिशत होनी चाहिए तो 3900 कैलोरी के आसपास होनी चाहिए। ब्रूडर का तापमान पहले सप्ताह में होना चाहिए, फर्स्ट वीक में जो ब्रूडर का तापमान है 93 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुक्कुट के मांस को क्या बोलते हैं, यानी जो पोल्ट्री मीट है इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको चिकन बोलते हैं, जो मुर्गी का मांस होता है उसको चिकन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि नर बदक कहलाती है, जो मेल डक है इसको क्या बोलते हैं, इसको ड्रैक बोला जाता है। अगला प्रश्न, एक वर्ष से कम उम्र के नए मुर्गे को क्या बोलते हैं, ऐसा मुर्गा जिसकी उम्र एक वर्ष से कम है उसे क्या बोलेंगे, उसको कॉकरेल बोलेंगे, और जिसकी उम्र एक वर्ष से ज़्यादा उसको बोलते हैं कॉक यानी मुर्गा। मेल ओवर 1 ईयर ओल्ड, ऐसा मुर्गा जिसका नर जिसका क्या है कि उम्र जो है एक साल से ज़्यादा है उसको बोलेंगे कॉक, एक साल से कम उम्र है उसको बोलेंगे कॉकरेल। अगला प्रश्न, अंडा देने वाली मुर्गी के दाने में ग्रेट प्रतिशत होता है तो ये 1% होता है। अगला प्रश्न है कि कड़कनाथ इज ए ब्रीड ऑफ, तो कड़कनाथ मुर्गी की जो नस्ल है ये मध्य प्रदेश की फेमस है और इसके मीट का रंग जो है मांस का रंग काला होता है, ये इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी। रानीखेत बीमारी के लिए प्रथम टीकाकरण की आयु है तो 1 से 7 सप्ताह, यानी जो पहला टीका लगने की आयु है वो कितनी उम्र होनी चाहिए, 1 से 7 सप्ताह की अगर मुर्गी की उम्र है जिसमें रानीखेत बीमारी से बचाव के लिए टीका लगाए जाने चाहिए, तो 1 से 7 डेज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बटेर के अंडे का औसत वजन क्या होता है, तो 10 ग्राम के आसपास होता है ये। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के मांस का ड्रेसिंग परसेंटेज क्या होता है, 72-72%। अगला प्रश्न है कि अंडा देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन कितना आहार की आवश्यकता पड़ती है, तो 120 ग्राम के आसपास आहार चाहिए अंडा देने वाली मुर्गी को। अगला प्रश्न है कि
मुर्गी का वह कौन सा समूह है जो सफ़ेद अंडे देता है? सफ़ेद अंडे, तो मेडिटेरियन। इसमें मुख्य रूप से वाइट लेगहॉर्न आती है और मिनोर्का आती है। वाइट लेगहॉर्न और मिनोर्का ये सफ़ेद अंडा देने वाली जो है मुर्गी की ब्रीड हैं, जो कि मेडिटेरियन रीजन के कैटेगरी में आती हैं। अगला प्रश्न, मुर्गी बिछावन में कौन से विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी ट्वेल्व, यानी जो लिटर होता है पोल्ट्री का उसमें विटामिन बी ट्वेल्व की प्रचुरता होती है। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीआरडी रोग किसके कारण होता है? तो सीआरडी का पूरा नाम क्या होता है? क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, और ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिंग के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न की बिग लीवर डिजीज ऑफ द फॉलोइंग इज, तो यहाँ पे मरेक हो सकता है ऑप्शन, थोड़ा डाउट है प्रश्न से, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के अंडाशय में कितने छोटे अंडाणु पाए जाते हैं? तो ये जो है 900 से 3600 पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉक्सिडियोसिस रोग जो है मुर्गियों में किसके द्वारा होता है? तो कॉक्सिडियोसिस बीमारी जो मुर्गियों में है प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है कि अंडे का खोल प्रतिशत है, तो अभी मैंने बताया था जो अंडे में खोल का परसेंटेज जो कवच है वो 11% भाग को कवर करता है, एल्बुमिन 58% भार को कवर करके रखती है, और जो योक है जो जर्दी होती है वो 31% पार्ट को कवर करके रखती है अंडे को। अगला प्रश्न है कि कुक्कुट बच्ची के लिए सिर पर गहरे लाल रंग के मांसल भाग को क्या बोलते हैं? इसको कॉम्ब बोलते हैं। जैसे नहीं जो मुर्गा होता है उसके ऊपर मांसल लाल भाग होता है, उसको कॉम्ब के नाम से जानते हैं। मुर्गी का जो बच्चा होता है मीन्स चिकन बेबी इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे चिक। जो मुर्गी का बच्चा उसको बोलते हैं चिक। अगला प्रश्न है कि चूजा निकालने की मशीन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इनक्यूबेटर। मांस का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मायोग्लोबिन। जो मांस है जो पोल्ट्री यानी जो मुर्गे का मांस होता है उसको मायोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पिंजरा पद्धति में एक मुर्गी के लिए स्थान चाहिए, तो आपके सामने ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 0.5 से 0.7 वर्ग फीट। जब मुर्गी अंडों में बैठकर उन्हें सेने की इच्छा रखती तो उसको बोलते हैं कुड़क मुर्गी, मीन्स ब्रूडी हैन। अगला प्रश्न, मुर्गियों में अंडा देने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ओविपोजिशन बोला जाएगा उसे। अगला प्रश्न है, गंबोरों को इस रूप में भी जाना जाता है आईबीडी, इन्फेक्शियस बर्सुअल डिजीज, आईबीडी के पूरा नाम। तो गंबोरो डिजीज को जो है आईबीडी के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि मुर्गी की इस नस्लों को काली मांस या काले मांस के लिए, अभी बताया कड़कनाथ, काले मांस की जब भी बात की जाएगी ब्लैक मीट की तो आंसर आएगा कड़कनाथ। इसका उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश में है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। एक फीड हॉपर पर्याप्त होता है? एक फीड हॉपर जिसमें मुर्गी को दाना खिलाया जाता है कितनी मुर्गियों के लिए? 10 मुर्गियों के लिए पर्याप्त होता है। अगला प्रश्न है कि अंडे में पाया जाने वाला जल प्रतिशत, जो अंडा होता है इसमें 66% के आसपास वाटर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, 8 सप्ताह की आयु तक मांस के उद्देश्य से पाली जाने वाले नर व मादा पक्षी क्या कहलाते हैं? उसको ब्रायलर बोलते हैं। मांस के पर्पज से जो पाले जाते हैं उसको बोलते हैं ब्रायलर। अगला है कि बतख के अंडे की उष्मायन अवधि कितनी होती है? तो ये 28 दिन होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निषेचित अंडे के लिए भंडारण तापमान कितना चाहिए? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान चाहिए। अगला प्रश्न है, बेस्ट लीटर मटेरियल फॉर डीप लीटर यानी गहरी बिछावन पद्धत के लिए सर्वश्रेष्ठ बिछावन सामग्री है? अगर मूँगफली की छिलका मिल जाए तो और बेस्ट है, अगर नहीं मिलते तो बूड डस्ट जो है लकड़ी का बुरादा, ये काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट है, मुर्गी के आहार के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय अनाज कौन सा? तो मक्का। नेक्स्ट, भारत में मुर्गी पालन के जनक कौन है? तो डॉक्टर बीबी राव, जिनका पूरा नाम क्या है? बांदा वासुदेव राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR रिकमेंड्स ईटिंग एग्स एवरी ईयर। ICMR के अनुसार जो है एक साल में एक व्यक्ति को कितने अंडे खाना चाहिए, ठीक है ना? तो 182 अंडे खाना चाहिए, इतनी तो ज़रूरत है, इतनी तो आवश्यकता है, लेकिन अपने यहाँ पर उपलब्धता कितनी है भैया? अपने यहाँ का पूरी दुनिया में उपलब्धता कितनी है? 86 अंडे की है। तो ये ध्यान रखिए आप। सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य की बात करी जाएगी तो कौन सा भाई? आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के एक सामान्य अंडे से कितनी ऊर्जा देखने को मिलेगी खाने को? मान लीजिए अगर मुर्गी का एक सामान्य अंडा से कितनी ऊर्जा मिलेगी तो 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंडा उत्पादन हेतु प्रति 100 मुर्गी पर कितने नर की आवश्यकता होती है? तो 10, मतलब अगर 100 मुर्गी टोटल हैं तो 100 में क्या है 90 मुर्गियां मादा होनी चाहिए और 10 क्या होनी चाहिए? नर होने चाहिए, यह अनुपात होना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट, अंडा देने के लिए विश्व प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल
तो व्हाइट लेग हॉर्न, और ये क्या है, एक वर्ष में लगभग 250 अंडे ये उत्पादित करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रौढ़ नर मुर्गे को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं कॉक यानी मुर्गा। अपीडा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना हुई थी 1985-86 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका मुख्य काम क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा देना, जो भी प्रोडक्ट हैं उसको निर्यात को बढ़ावा देता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में अंडा देने वाली बतख की नस्ल कौन सी है, तो खाकी कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, कुक्कुटशाला में एक प्रकार ब्रॉयलर के लिए कितनी जगह चाहिए, तो एक स्क्वायर फीट चाहिए। कुक्कुटशाला में एक ब्रॉयलर के लिए, मतलब एक मुर्गी जो मांस के उद्देश्य से पाली गई उसको कितना स्थान चाहिए, तो एक स्क्वायर फीट चाहिए उसे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि गहरी बिछावन पद्धति में अंडा देने वाली मुर्गी को कितने स्थान की आवश्यकता पड़ती है, हाउ मनी स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर लेइंग हेन इन डीप लिटर सिस्टम। अंडा देने के लिए डीप लिटर सिस्टम कितना चाहिए, 1.5 से 2 स्क्वायर फीट। मुर्गी की चोंच काटने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, द पर्पज ऑफ डिब्रिकिंग इन हैन इज, तो इसका होता है टू कंट्रोल फीडिंग पिकिंग, टू कंट्रोल फीड वेस्टेज, टू कंट्रोल कैनन बिलेज। उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैंडलिंग क्रिया किससे संबंधित है, तो आई होप ग्रेडिंग आप एक, यानी इसका राइट आंसर बी हो सकता है, लेकिन बहुत लोग इसका आंसर ऑप्शन ए भी टिक कर रहे हैं। कैरी कहाँ स्थित है, तो इज्जत नगर बरेली में है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। चिकन मांस जो होता है, चिकन मीट है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, जल की मात्रा 65 से 80% होती है, प्रोटीन 16 से 22% होती है, बसा डेढ़ से तेरह परसेंट होती है, बसा की मात्रा इंपॉर्टेंट 1.5 से 13, और खनिज पदार्थ 0.65 से 0.15। लास्ट क्वेश्चन है कि कैस्ट्रेटेड चिकन इज कॉल्ड, यानी जो बढ़िया मुर्गा है उसको क्या बोलते हैं, तो कैपन बोलते हैं, और इस क्रिया को बोलते हैं कैपोनाइजेशन, इस क्रिया को बोलते हैं कैपोनाइजेशन। तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।